अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन-ए-सियासत.com पर आप सबका इस्तकबाल है। लॉकडाउन के दौरान गरीब लोग काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं। शहर हैदराबाद में कई ऐसे अहल खैर हजरात मौजूद है जो गरीबों की हर तरह से मदद कर रहे हैं और इनके घर तक इनकी इमदाद पहुंचाई जा रही है। लॉकडाउन के दौरान गरीब और मुस्तहिक खानदानों में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अजनास और ज़रूरी अशिया की फराहमी के सिलसिले में शहर हैदराबाद के एक मशहूर बिजनेसमैन मस्कती ग्रुप्स के ज़ेर एहतमाम चावल, आटा, तेल, दूध के पैकेट्स और ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। जनाब अली बिन अब्दुल्ला मस्कती ने सियासत से बात करते हुए कहा कि मुस्तहिक खानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। 23 मार्च 2020 से यानी लॉकडाउन के दूसरे दिन से यह अमल जारी है और ताहाल 10,000 खानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मत मुसलमानों को, आलम इस्लाम कि तमाम मुसलमान भाइयों को रहमतों वाला, बरकतों वाला रमज़ान का महीना मुबारक। अल्लाह हम सब के इबादतें कबूल फरमाए और साथ साथ ये जो कोरोना वायरस है, या अल्लाह इस रमज़ान में अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह ख़त्म कर दे। ये सब हम सबको मिलकर दुआ करना चाहिए और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग तमाम अपने घरों में नमाज़ पढ़िए, कुरान पढ़िए, तफसीर के साथ पढ़िए, तर्जुमे के साथ और तफसीर के साथ पढ़िए ताकि हम समझ सके कुरान क्या है। रोज़ाना एक कम से कम एक पारा तो भी पूरा पढ़िए और 2-4 रुकू जो है वो तर्जुमे के साथ पढ़िए ताकि हमें मालूम हो क्या चीज़ है अल्लाह ताला जो अपने नबी को हमारे लिए एक तोहफ़ा जो दे के भिजाया है और ये माह रमज़ान में इसका नुज़ूल हुआ है कुरान शरीफ का। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपने घरों में अपने भाइयों बहनों को माँ बाप के साथ रोज़ सब मिलकर एक कुरान ख़त्म करिए। हर फर्द कम से कम हर फर्द एक कुरान ख़त्म करिए। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का जो सिलसिला चल रहा है आगे अभी कब तक चलेगा अंदाज़ा नहीं है। फिर भी अल्लाह के करम से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है हम लोग रोज़ करीब 800 से 1000 आदमी को 2 रोटी और दूध दे रहे हैं और वो दवाखानों में उस्मानिया की ये मैटरनिटी हॉस्पिटल जो यहाँ पर है और पुराने पुल पे भी एक छोटा मैटरनिटी हॉस्पिटल है और किंगकोटी का दवाखाना है। इसी तरह से शाली बंडे पे भी एक मैटरनिटी हॉस्पिटल है वहाँ पर और दीगर दूसरे हॉस्पिटलों में और गुरबा के वास्ते हम लोग ये काम कर रहे हैं। साथ ही साथ 10 किलो चावल और 5 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 किलो तेल ये भी लॉकडाउन के जब से हुआ जब से हम लोग तकसीम कर रहे हैं। हम लोग एरिया बोल के नहीं, जहाँ पर भी, क्योंकि पुराना शहर एक स्लम एरिया है, स्लम बस्तियाँ बहुत है, तो जहाँ पर भी चाहे वो चामिनार का एरिया रहने दो, चंद्रन गुट्टा रहने दो या तालाब कट्टा रहने दो, जहाँ पर भी वट्टेपल्ली तक दीगर हर जगह तकरीबन पुराने शहर में और जो लोग मेन घरों पर हमारे आदमी खुद जाकर घरों पर चेक कर वो लोग को दे रहे हैं जो मंग नहीं सकते, ख़ास तौर पे वो लोग को दे रहे हैं जो मंग नहीं सकते, उन पे घरों पर जाकर ये चीज़ दे रहे हैं ताकि ताली खटका मारता रहे और उनके घर के सामने रख के निकल जा रहे हैं। कोई फ़ोटो नहीं, कोई चीज़ नहीं, क्योंकि हमें
दिखाना नहीं है कि किसको भी देते हो खुद फोटो लेना। इसीलिए हम लोग कोई भी फर्द को हम बोल दिए कि भाई फोटो मत लीजिए, और हर जगह भिजा रहे हैं अल्लाह करम से, करीब 10,000 के ऊपर ख़त्म हो गए हैं इंशाल्लाह, क्योंकि फिर अब रमज़ान का महीना भी है इंशाल्लाह, और एक 10,000 इंशाल्लाह और तकसीम करेंगे। और साथ ही साथ जो रोज़ का जो डबल रोटी और दूध, जो रोटी और दूध का है, वो तो सिलसिला जब तक इंशाल्लाह लॉकडाउन है वो तो चालू रहेगा, और साथ साथ रमज़ान के बाद भी अगर से लॉकडाउन नहीं खुला उसके वास्ते भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, आगे चल के भी तकरीबन जितना हो सके। हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई, क्योंकि मस्कती ब्रदर्स जब एक ही चीज़ सोच रहा है कि भाई हर एक का ज़रिया जो है अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला ज़रिया लोगों को बनाता है, उसी तरह से अल्लाह ताला ने हम मस्कती ब्रदर्स को एक ज़रिया बनाया है। इंशाल्लाह ताला हम लोग जितना हो सके ये कोशिश करेंगे कि हमारे से जो भी हो सके इंशाल्लाह ताला हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ बाज़ गुरबा जो आते हैं पैसों के लिए, क्योंकि बाज़ लोगों के पास दवाया नहीं है, वो दवाओं के वास्ते और दवाखानों में जाने के वास्ते, वो लोग के वास्ते भी हम लोग उनके उनका भी इंतज़ाम कर रहे हैं, उनके वास्ते भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जितना हो सके हम लोग सबके लिए काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो भी साहिब इस्तेदात है वो लोग भी आगे आइए, क्योंकि माह रमज़ान का महीना है, इसमें भी बरकतों और रहमतों का महीना है, आप भी इसमें हिस्सा लीजिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं।